हल जो है वो हमारा किसान का एक प्रतीक चिन्ह है, वो देने के लिए बुढ़ानिया साहब संजय जी, हमारे कसवा साहब और प्रियंका बानो चेयरमैन नगर पालिका तारानगर से गुजारिश करूंगा कि हल और मोमेंटो चरखा और खानू का अमूदवाली साहब और मुश्ताक खान जी का, जसवंत जी स्वामी, मान सिंह जी सैनी साहब, ये हल देंगे। चूरू के पार्षद चार पांच भाटी साहब, नरेंद्र बुरानिया साहब कह रहे हैं ये हल पकड़ा कर एक मैसेज के रूप में आज इस महंगाई राहत शिविर के अंदर मोमेंटो चरखे के रूप में मुश्ताक जी और बुरानिया साहब, संजय कसवा जी, प्रियंका बानो जी, खानू खां बुधवाली साहब, यह किसानों का प्रतीक चिन्ह सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब और गोविंद सिंह जी टोटासरा साहब को, रामेश्वर डूडी साहब को दे रहे हैं नरेंद्र बुरानिया साहब। तालियों की रिराट के साथ आप एक बार बजाएं जो योजनाएं सरकार की अशोक गहलोत साहब ने दी है, चाहे 500 रुपए का सिलेंडर हो, चाहे 100 यूनिट बिजली फ्री प्रतिमा हो, 2000 किसानों का बिजली का बिल माफ हो, फ्री राशन हो और 1000 रुपए प्रतिमा पेंशन हो और 25 लाख की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो और चाहे दुर्घटना बीमा योजना 10 लाख की हो, यह सब राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब दो महीने के अंदर, आने वाले दो महीने में आप सबको रजिस्ट्रेशन करवाने का काम आप सबको करना है, हम सब कार्यकर्ताओं को करना है। हम सब इस माध्यम से गरीब का भला कर सकते हैं, मजदूर का भला कर सकते हैं, दलित का कर सकते हैं, अगड़े का कर सकते हैं, पिछड़े का कर सकते हैं, किसान का कर सकते हैं। यह एक सिंबॉलिक मैसेज है तारानगर की इस धरती से आपको दिया जा रहा है कि जो विकास के काम नरेंद्र बुरानिया साहब लेके आए हैं इस तारानगर की धरती के लिए, और अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद दे रहे हैं कि आप सब ने हमारे इस इलाके को सरसब्ज कर दिया है, नहर के माध्यम से हो, चाहे चिकित्सा के माध्यम से हो, चाहे स्कूल के माध्यम से हो, सरसब्ज किया है, उसके लिए नरेंद्र बुरानिया साहब आप सबको धन्यवाद दे रहे हैं। राम राम भाइयों, जोर से बोलो राम राम। राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय, राजस्थान के गांधी आज तारानगर विधानसभा क्षेत्र के गांव पंचायत बनियाला में आए हैं। मैं इनका हृदय से, दिल से, मन से स्वागत करता हूं और इस पवित्र मौके पर ये आह्वान करता हूं कि राजस्थान में चौथी बार मुख्यमंत्री बनोगे आप। हाथ उठ करके बताओ, चूरू जिले के हम चार विधायक हैं, हमारे पड़ोस में हमारे कृष्णा पूनिया जी, इधर पड़ोस में भाई अनिल शर्मा जी और उस लाडले भवनलाल जी मेघवाल के सपूत मनोज मेघवाल जी, आदरणीय खानू खान जी और हमारे जिला अध्यक्ष भाई भवनलाल जी और हमारे संचालनकर्ता, हमारे सचिव, जिन्होंने बहुत शानदार ढंग से संचालन किए आज आपके सामने, श्री राजेंद्र जी मुंड और हमारे इधर पड़ोस के एमएलए भाई अमित चाचान जी, हमारे बीच में हमारे जो अन्य हमारे साथी उपस्थित हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं दो बात करने से पहले मैं आपका फिर अभिनंदन करना चाहता हूं। जानता हूं इस बात को कि ये भीड़, मैं गहलोत साहब को बता रहा था मुख्यमंत्री जी को कि ये भीड़ नहीं है, मेरे 180 गांव हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 180 गांव में हर गांव से गाड़ी आई है, चाहे वो 100 किलोमीटर दूर है, चाहे वो 80 किलोमीटर दूर है, सब लोग जो है यहां पर, हर पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोग यहां उपस्थित हैं। आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया बजट के अंदर, आप हिंदुस्तान में राजस्थान एक नंबर पर, एक न,
नंबर पर राजस्थान, ताली बजाओ सब लोग। मुख्यमंत्री जी, मैं पिछले 42 साल से आपके नेतृत्व में काम कर रहा हूं। मुझे आपने तारानगर से चुनाव लड़ाया और तारानगर से चुनाव लड़ाया मेरा 42 साल का की तपस्या। मैंने फैसला किया कि 42 साल की मेरी तपस्या, मेरा अनुभव इस तारानगर की जनता के लिए लगा दूंगा। रंधावा साहब, जब मैं जयपुर से आता हूं तो चुरू की सीमा में बढ़ता हूं तो मैं सारे पद छोड़ के आता हूं। जब बजट पेश हुआ, जब पहला बजट पेश हुआ, मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एमपी रह लिया, राज्यसभा में 3 बार रह लिया, मैं लोकसभा में 3 बार रह लिया, दूसरी बार मैं विधायक हूं, मैं कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, ये मेरा वादा है। लेकिन मैं एक चीज मांगना चाहता हूं कि बीजेपी के राज में मेरा नहर का रकबा कट गया था, मेरे किसान के पेट पे लात मारी गई इस बीजेपी के राज में। 2005 में वसुंधरा राजे भैया मुख्यमंत्री थी, मेरे दिल में दर्द था, मैं पढ़ा लिखा हूं किसान, मैं समझता हूं कि आने वाली पीढ़ियों के चेहरे पे खुशियां, लेकिन बीजेपी ने हमारी खुशियां छीन ली। आपसे मैं निवेदन किया कि मेरा कटा हुआ रकबा जोड़ो, और इन्होंने कुछ नहीं कहा, कागज अपनी जेब में डाल लिया और चीफ सेक्रेटरी और वित्त सचिव के सामने बुला के कहा इसकी घोषणा करनी है मुझे। और पहले बजट के अंदर 20,000 हेक्टेयर की जमीन की घोषणा कर दी मुख्यमंत्री जी ने। ऐसा ऐतिहासिक काम कोई कर नहीं सकता जो मुख्यमंत्री जी ने किया। साथियों, आप सबको मालूम है 10,000 हेक्टेयर के ऊपर काम चल रहा है, 10,000 हेक्टेयर पे काम चल रहा है और 10,000 हेक्टेयर और शुरू करने वाले हैं। अभी टेंडर जल्दी होने वाले, मुख्यमंत्री जी की चिड़िया बैठी नहीं और टेंडर हुए नहीं। हम जो है किसी तरह से पीछे नहीं है। मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं कि नहर का क्या महत्व है, लेकिन सबसे बड़ा किसान का बेटा तो अशोक गहलोत है, जिसने दर्द जो हमारे किसानों के का आंसू पहुंचे। साथियों, मैं रंधावा साहब को कहना चाहता हूं, रंधावा साहब, मेरा ये विधानसभा क्षेत्र जिसमें सारे में खारा पानी है और यहां की धरती सोना उगलती है, जहां हम बैठे हैं वहां खेत सिंचाई के पानी होता है, सोना उगलती है। धन्य है कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत का, इनकी टीम का, जिन्होंने जो है हमारे तारानगर को ये सौगात दी। और यही नहीं दी साथियों, मैंने मुख्यमंत्री जी को जो कहा, जो मैंने मांगा, मुख्यमंत्री जी ने वो काम बिना सोचे दस्तखत किए। अरे, चार चार कॉलेज, 4 साल में डोटासरा जी 4 कॉलेज। अभी आरपीएससी में एक प्रश्न आया कि राजस्थान के 22-23 के बजट में, राजस्थान में एकमात्र आयुर्वेदिक औषधालय खुला, अस्पताल खुला है, महाविद्यालय खुला है, उसका क्या नाम है? उसमें अजमेर का भी नाम था, चौथा नाम तारानगर का था। तारानगर जैसी छोटी जगह के ऊपर आयुर्वेदिक महाविद्यालय होना कोई छोटी बात नहीं है। इन किसानों के बेटे, मेरी माताएं बहनें बैठी है, इनके बेटे डॉक्टर बनेंगे, कंपाउंडर बनेंगे और
अपने समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे। आपने इस बजट के अंदर, मैंने सोचा नहीं था कि जो चीज डिवीजन लेवल पे होती है क्या वो भी मुख्यमंत्री जी मुझे दे सकते। कृषि महाविद्यालय खोल दिया, कृषि महाविद्यालय, और खोल ही नहीं दिया इस सेशन के अंदर चालू भी कर रहे हैं। कितने किसान के बेटे आज जो है कृषि वैज्ञानिक बनेंगे, कितने नौजवान उसमें कृषि में जो है एक्सपर्ट होंगे, अच्छी किसानी करेंगे। सावा के अंदर आपने कॉलेज खोला, तारानगर में लड़कियों का पीजी कॉलेज खोला आपने, जो है जो खोला मैं सुबह से लूं तो शाम हो जाएगी मुझे ये गिनाते गिनाते। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपने कॉलेजों के साथ साथ में मुझे हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया। आपने उप जिला अस्पताल खोला, आपने ट्रोमा सेंटर खोला, आपने दो दो ऑक्सीजन प्लांट जो है हॉस्पिटल के अंदर खोले। आपके लिए गरीब लोगों की आपने सेवा करने का जो आपने जो मौका दिया यहां पर, ये मुझे मालूम है व्यस्त हैं, लेकिन ऐसे ऐसे काम अशोक जी ने किए, मैं कुछ बोलूंगा नहीं तो बाहर के लोग भी आए, दूसरे जिले से भी आए, उनको भी समझ में आना चाहिए कि अशोक गहलोत कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। वारे वाह अशोक गहलोत, आपकी मां ने तो आपको ही जन्म दिया, धन्य हो मां जो आप इस गरीब की तरफ देख रहे हैं। आपने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, आपने जो है कृषि मंडी खोली मेरे स्वतंत्र, आपने एडीजे कोर्ट खोल दिया, आपने एसडीएम कोर्ट खोल दिया, आपने एक्शन ऑफिस खोल दिया, आपने पूरे जिले के अंदर इंग्लिश स्कूल मीडियम नहीं जितनी मेरे अकेले को दे दी। अब कह रहे कि जय टाइम नहीं, डोटासरा जी अध्यक्ष से कहना तो मानना पड़ेगा मेरे को, लेकिन मैं कहना चाहता हूं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आदरणीय अशोक जी ने जो तारानगर के लिए किया, हम तारानगर के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे, आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी यहां पर। अब मैं दो छोटी छोटी बात मैं मेरे कार्यकर्ताओं से पूछता हूं कि कोई काम बताओ मुख्यमंत्री जी को बजा के बोलूं, ये कोई कार्यकर्ता कहता है सब काम हो गए और ऐतिहासिक हुए। आपको लफ कुछ वाटिका हमने दिखाई, अभी पूरा दिखाया आपने, हमने एक बहुत बड़ा पार्क बनाया तारानगर के अंदर 20 बीघा में देखने लायक पार्क बनाए, वो आपके आशीर्वाद से बना। साथियों, मैं किसान का बेटा हूं, मेरे दिल में दर्द है, मैंने पहले बहुत बताया। मुख्यमंत्री जी आपने दिल खोल के दिया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मेरे 5000 हेक्टेयर जमीन मेरी बची हुई है मुख्यमंत्री जी, मेरी 5000 हेक्टेयर जमीन बची हुई है। दर्द है तारानगर के किसानों के दिल के अंदर, ये 5000 हेक्टेयर बहुत थोड़ा थोड़ा सा रकबा है, आप मुझे वो रकबा दे दीजिए, मेरी जान भी हाजी मांगी तो मैं मटूंगा नहीं आपको। मुख्यमंत्री जी, ये बनियाला पंचायत है, इसके पास में एक माना गांव है जिसमें से 100% कांग्रेस को वोट दिया, 100%, और वहां पे एक किसान ने आपसे स्कूल मांगी है, सीनियर स्कूल मांगी है। आपने राजस्थान के अंदर तो जड़ी लगा दी स्कूलों की, एक झड़की झड़ती थोड़ी सी यहां भी लगा दो इस गांव के लिए। पीएससी की मांग है वहां पे, वो खोल दो, मेरी तो 2-3 मांगे हैं। मैं इतनी बात कह करके एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत कर दो एक बार और, जोर से, जोर से, जोर से और जोर से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विकास पुरुष नरेंद्र बुड़ानिया साहब। अब इसी